गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो आज से जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा एक फ्रेश चैप्टर, एक न्यू चैप्टर। सेकंड चैप्टर आज से हम शुरू कर रहे हैं जो कि मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में। देखिए इस चैप्टर में हम लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है। हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। एक मैनेजर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए सिंस स्टार्टिंग टू टिल एंड कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और इन्हीं सारे फंक्शंस से मिलकर बनती है मैनेजमेंट की प्रोसेस। तो इस चैप्टर में जो आपको पहली चीज पढ़नी है वो पढ़नी है मैनेजमेंट की प्रोसेस। सेकंड चीज या सेकंड कंसेप्ट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है मैनेजमेंट का, वो पढ़ना है मैनेजेरियल रोल्स। यानी एक मैनेजर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मैनेजेरियल रोल्स परफॉर्म करता है, कौन कौन से मैनेजेरियल रोल्स वो परफॉर्म करता है, ये भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। और थर्ड थिंग जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट के मेनली तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल लेवल या ड्यूल लेवल भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देर आर मेनली थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये तीन टॉपिक हमें इस पूरे चैप्टर में जो हमारा चैप्टर सेकंड है मैनेजमेंट का कवर करने हैं। आई रिपीट, एक हमें इस चैप्टर में कवर करना है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। तो हम सभी जानते हैं मैनेजमेंट जो है वो कई सारे फंक्शंस से मिलकर जो है वो मैनेजमेंट का प्रोसेस बनता है। सेकंड है आपका मैनेजेरियल रोल्स, कि एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रोल्स परफॉर्म करता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड थर्ड है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की कितने लेवल्स होते हैं, जो हायरार्की है मैनेजमेंट की, तो उसमें देर आर मेनली थ्री लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये तीन लेवल हम पढ़ते हैं। अब देखिए ये तीनों टॉपिक हम आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक ही जो है हमारा ये काफी बड़ा टॉपिक है। इट विल टेक अबाउट 3 to 4 वीडियोज, उसके बाद हम मैनेजेरियल रोल्स और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो हम आज पढ़ेंगे। तो टुडे वी शैल टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रोसेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, इंक्लूडिंग मीनिंग एंड
डेफिनेशन। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक ले रहे हैं, ये मैंने आपको जो बुक पेज सेंड किया है उसमें भी बताया कि फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट पैराग्राफ में आपके जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सब इसी हेडिंग में, फिर आपको पॉइंट बनाने हैं फर्स्ट सेकंड इस तरह से, इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो देखिए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस, किसी हम प्रोसेस किसे कहेंगे, यानी एक प्रक्रिया से हमारा क्या आशय है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस इज द डेफिनेट वे टू डू द वर्क, किसी भी वर्क को करने की जो एक डेफिनेट वे है, जो एक निश्चित प्रक्रिया है, एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस विल कंटेन सर्टेन स्टेप्स और स्टेजेज, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो आई रिपीट, प्रोसेस इज द डेफिनेट वे टू डू द वर्क, किसी भी कार्य को करने की जो एक निश्चित प्रक्रिया है, जो कि सर्टेन स्टेप्स से होकर गुजरती है, और उस कार्य को, उस टास्क को हम वन ऑफ द बेस्ट वे में अकम्प्लिश कर पाए, तो वो जो चीज है वो आपके कहलाती है प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी काम को करने की जो एक सर्टेन प्रोसीजर है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। अब देखिए अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सिंस स्टार्टिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस, यानी मैनेजमेंट जो है वो कार्यों की प्रक्रिया है, मैनेजमेंट जो है इट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सिंस स्टार्टिंग टू टिल एंड बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, लाइक सबसे पहले वो एनवायरमेंट को स्कैन करता है, एनवायरमेंट को समझता है, मैक्रो एनवायरमेंट को स्टडी करता है, कई सारे फोरकास्टिंग करता है, उसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शंस शुरू होते हैं, प्लानिंग करता है, फिर उस प्लानिंग के बाद यानी आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लान्स वो ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर स्टाफिंग करता है, स्टाफिंग के बाद वो डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्टिंग के बाद वो कंट्रोलिंग करता है, और इन सब के दौरान वो इन सारे फंक्शंस को सिंक्रोनाइज करते हुए चलता है, यानी कोऑर्डिनेट करते हुए चलता है। तो वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट जो है वो जब हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना हो तो हमें एक सर्टेन प्रोसेस के अंदर, सर्टेन सीक्वेंस के अंदर लॉट्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। तो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस का मीनिंग क्या है, और आज का जो हमारा ये टॉपिक है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको जो समझना है, तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस ऑफ फंक्शंस है, जिसमें कि एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक डेफिनेट वे में लॉट्स ऑफ फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को परफॉर्म करता है, और इन्हीं सब फंक्शंस से मिलके बनती है मैनेजमेंट की प्रोसेस। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद आपको ये जानना है कि ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सभी प्रोसेस ये सभी स्टेप्स जो हैं, ये सभी फंक्शंस जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि देखिए प्लानिंग करने के बाद ही आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही आप स्टाफिंग कर सकते हैं, स्टाफिंग के बाद ही आप डायरेक्टिंग कर सकते हैं, और डायरेक्टिंग के बाद ही आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ये सभी फंक्शंस इसी सीक्वेंस में चलेंगे, एंड दीज फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे बेस्ड है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर एक फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो उसके बिना उसके अगला फंक्शन भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये सारे फंक्शंस जो हैं ये मैनेजर
एक सर्टेन सीक्वेंस में परफॉर्म करता है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस जो है उसकी फीचर्स क्या क्या है। सबसे मेन चीज जो है कि मैनेजमेंट जो आपकी है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इसके जो फीचर्स हैं, यानी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो है कि जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी मैनेजर जो है वो कंटिन्यूटी में ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता हुआ चलता है। यानी एक मैनेजर जो है वो हर समय इन सभी फंक्शंस में से कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, या तो वो प्लानिंग कर रहा होता है, या वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहा होता है, या वो डायरेक्टिंग कर रहा होता है, या वो कंट्रोलिंग कर रहा होता है। तो इन सभी फंक्शंस में से कोई ना कोई फंक्शन एक मैनेजर एनी टाइम परफॉर्म कर रहा होता है, ये बात आप ध्यान रखें। देखिए हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो खुद काम करने की कला नहीं है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स एंड वी शुड रिमेंबर दैट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट दूसरे लोगों से और लोगों से काम करवाने की कला है। तो एक मैनेजर जो है वो एनी टाइम इन सभी फंक्शंस में से कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो दिस प्रोसेस विल नेवर स्टॉप, ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, सिंस स्टार्टिंग टू टिल एंड ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगर हमारा एक टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारे दूसरे टास्क की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। इवन पहला टास्क कंप्लीट होने के पहले ही हमारे दूसरे टास्क की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इट विल कंटिन्यू ऑल द टाइम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। तो डायनेमिक प्रोसेस से हमारा क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब होता है जो स्टैटिक ना हो, जो गतिशील हो। यानी जैसे हमारा करंट जीके जो है, एक तो स्टैटिक जीके होता है जो फिक्स है कि भाई ताजमहल किसने बनाया, तो ये फिक्स है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन आज जो हमारा करंट जीके है ये स्टैटिक नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये बदलता रहता है। आज हमारे जिन डेजिग्नेशन पे जो लोग अपॉइंटेड हैं आगे भी वही रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है, आफ्टर फ्यू टाइम चेंज हो जाता है। तो करंट जीके जो होता है वो डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। ये डायनेमिक वर्ड आपको समझना बहुत जरूरी है। डायनेमिक का मतलब एवर चेंजिंग। तो देखिए मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है ये हमारी जो वीडियो क्लासेस है। आपने सोचा था कभी दो महीने पहले कभी, क्या हमने कभी ये सोचा था कि इस तरह से हम YouTube पे चैनल बनाएंगे और बच्चे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हमारी स्कूल के बच्चे सारी क्लासेस पढ़ेंगे और आप सभी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए ये चीज हमें करनी पड़ी क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो गया, कोरोना पैनेडेमिक की वजह से लॉकडाउन हो गया, हम सभी अपने घरों में बंद हैं, तो वी कांट कंडक्ट फेस टू फेस क्लासेस। तो मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, एवर चेंजिंग प्रोसेस है। आपको हर दिन अलग तरह से मैनेज करना होता है, हर इवेंट का मैनेजमेंट अलग होता है। तो ये आपको समझना है कि मैनेजमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, इट इज ए डायनेमिक प्रोसेस। मतलब कल जैसे आपने मैनेज किया था आपको आज भी वैसे ही मैनेज करना हो ये जरूरी नहीं है। तो जो कीप चेंजिंग वाला कंसेप्ट है वो इसमें चलता है। इसके बाद थर्ड जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि ये ह्यूमन प्रोसेस है, इट इज ए ह्यूमन प्रोसेस। तो ह्यूमन प्रोसेस क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि देखिए मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं दीज फंक्शंस विल बी परफॉर्म्ड बाय ए ह्यूमन। मैनेजमेंट के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एक ह्यूमन परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन प्रोसेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है कि मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है आपका वो एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब एक मैनेजर अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है
तो उसके लिए उसे कई सारे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करना पड़ता है जो कि सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एक सोशल प्रोसेस भी माना गया है। आई रिपीट, व्हेनेवर जब कोई मैनेजर अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है तो ही मस्ट इंटरेक्ट विद अदर इंडिविजुअल्स, और वो अदर इंडिविजुअल्स जो है वो सोसाइटी के अदर पार्ट से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो ये आपका मैनेजमेंट है ये एक सोशल प्रोसेस भी है, क्योंकि एक मैनेजर को अपनी ड्यूटीज, अपने टास्क, अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सोसाइटी के वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल्स के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है आपका कि मैनेजमेंट जो है आपका नेक्स्ट फीचर जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का वो है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव देन देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो फिर आपको मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट की जरूरत हमें वहीं पड़ती है जहां ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट हमेशा वहीं मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जहां हम किन्हीं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है, अनडाउटेडली एंड अनक्वेश्चनेबली मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसमें कि एक मैनेजर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक सीक्वेंस में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। मैं आपको फिर बता दूं कि प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस इज द डेफिनेट वे टू डू द वर्क। तो एक निश्चित सीक्वेंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब वो परफॉर्म करता है। और ये सभी फंक्शंस क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे हम अचीव कर सकें। अब आपका लास्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट को यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि नंबर वन इट विल बी रिक्वायर्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, यह आपको ध्यान रखना है। सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, मिलिट्री, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपके मैनेजमेंट प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अभी हमने हमारे लास्ट टॉपिक यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है उसका प्रोसेस जो है उसे यूनिवर्सल माना गया है, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन में या सभी कंट्रीज में यही प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो है आपके परफॉर्म किया जाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल, रिलीजियस, आपके मिलिट्री, आपके चाहे होटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जिम हो, चाहे क्लब हो, सभी में हमें मैनेजमेंट प्रोसेस को अपनाना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये परवेसिव इन नेचर है, इट इज हियर, देयर एंड एवरीवेयर, ये आपको ध्यान रखना है। इवन सभी कंट्रीज में भी मैनेजमेंट की प्रोसेस फॉलो की जाती है, चाहे वो फिर यूएसए हो, यूके हो, इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री क्यों ना हो। तो ये सारे फीचर्स आपको मैनेजमेंट प्रोसेस के ध्यान रखने हैं। यहां तक मैं आपको रिपीट करा दूं, आज हमने ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है मैनेजमेंट का, जिसका पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस इज द डेफिनेट वे टू डू द वर्क। फिर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। इन दिस प्रोसेस ए मैनेजर विल परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस इन ए प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस। अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक मैनेजमेंट कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है सर्टेन सीक्वेंस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली चलती है, डायनेमिक प्रोसेस है,
यानी एवर चेंजिंग है, कभी भी आप स्टैटिक बेसिस पे या एक फिक्स्ड बेसिस पे मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए तैयार रखना पड़ता है। ह्यूमन प्रोसेस है, ऑल द फंक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द टास्क ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस शैल बी परफॉर्म बाई ए वुमन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन प्रोसेस। फिर एक मैनेजर जब भी इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ही विल इंटरेक्ट विद अदर इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी, सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सोशल प्रोसेस। फिर आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट की जरूरत वहीं पड़ती है जहां सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हो, तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी है और इट इज हियर देयर एंड एवरीवेयर, इसलिए ये यूनिवर्सल प्रोसेस भी है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे मैनेजमेंट के स्कॉलर्स हैं उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस माने हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें मेनली हम तीन जो हमारे मैन मैनेजमेंट स्कॉलर्स और थिंकर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है वो है आपके कुंज ओडोनिल, इनका नाम है हेरोल्ड कुंज, इनका पूरा नाम हेरोल्ड कुंज एंड सिविल ओडोनेल है। ये दो पर्सन है, पहले पर्सन का नाम है हेरोल्ड कुंज, दूसरे का नाम है सिविल ओडोनेल। तो इन्होंने जो इनके जो फंक्शंस हैं उनका आपके कोड है पी ओ एस डी सी, ये इनके फंक्शंस का कोड है। पी का मतलब है आपकी प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब आपकी स्टाफिंग, डी का मतलब है आपकी डायरेक्टिंग और सी का मतलब है कंट्रोलिंग, याद ध्यान रखिए। तो इनका कोड जो है वो आपके पीओएसडीसी है। स्टाफिंग को आपकी बुक में अपॉइंटमेंट कहा गया है, वो एक ही बात है। तो कुंज ओडोनेल जो है उन्होंने आपको जो बताया है मैनेजमेंट के प्रोसेस में जो फंक्शंस मेनली इन्होंने बताए हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्कॉलर है वो है हेनरी फ्योर। तो हेनरी फ्योर का कोड मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि डेफिनेशन लिखवाई हुई कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शंस एंड दिस प्रोसेस विल इंक्लूड, तो जो कोड है आपका वो है पीओ ट्रिपल सी। तो पीओ ट्रिपल सी में पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, सी स्टैंड्स फॉर कमांडिंग, नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग और लास्ट सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। तो पीओ ट्रिपल सी जो आपका है ये है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ये मेरा आपको लिखवाया हुआ है पहले। तो हेनरी फ्योर ने ये फंक्शंस आपके माने। और लास्ट अगर हम बात करें यहां एक चीज और बता दूं कि आपकी बुक में कमांडिंग की जगह ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ऑर्डरिंग और कमांडिंग एक ही बात है। अगर आप नेट पे देखेंगे तो नेट पे कमांडिंग ही मिलेगा, ऑर्डर से बेटर वर्ड है कमांडिंग, कमांड देना।
और वैसे कमांडिंग का काम डायरेक्टर का होता है, मेनली इसका मतलब डायरेक्टिंग से ही है। और अब लास्ट हम जो देखेंगे वो है आपके लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने क्या बताया है, तो सी जो है आपकी ये है लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक जो है इनका कोड है पोस्ड कॉर्व, इनका कोड है पोस्ड कॉर्व, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस है आपका स्टाफिंग, स्टाफिंग को आपकी बुक में अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, सीओ जो है ये आपके एक साथ आएगा कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब है आपकी रिपोर्टिंग, आपकी बुक में इसका मतलब गिविंग डिटेल्स लिखा हुआ है, गिविंग डिटेल्स का मतलब रिपोर्टिंग ही होता है। और बी जो है बी का आपके मतलब है बजटिंग। तो पोस्ट कॉर्म का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ का एक ही मीनिंग है कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब बस्टिंग। तो ये इन तीनों स्कॉलर्स और थिंकर्स के आपको कोड ध्यान में रखने हैं, जिसमें आपके कुंज ओडोनेल, हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक। इसके बाद आपके जो है इन सब के बेसिस पे हम लोग आपकी बुक जो है उसमें फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में आपके फंक्शंस को डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो है आपके मेन फंक्शंस और एक है ऑक्सिलरी फंक्शन, यानी ये जो प्रोसेस है इन सभी स्कॉलर्स को स्टडी करने के बाद आपकी बुक में जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो हमारे इस प्रोसेस के फंक्शंस हैं जिनको कि हम स्टेप्स भी बोल सकते हैं, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी मैन यानी प्राइम फंक्शन, और सेकेंड है आपकी ऑक्सिलरी यानी सहायक सपोर्टिंग फंक्शंस। तो मेन फंक्शंस में आपकी आपकी बुक में एक तो प्लानिंग को रखा गया है, एक ऑर्गेनाइजिंग को रखा गया है, एक आपके रखा गया है डायरेक्टिंग को, डायरेक्टिंग के बाद आपके रखा गया है कोऑर्डिनेटिंग को, और एक आपके रखा गया कंट्रोलिंग को। ये पांच फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ये आपके मेन फंक्शंस में रखे गए हैं। और सपोर्टिव फंक्शन में डिसीजन मेकिंग, सेकेंड है आपका इनोवेशन,
थर्ड है आपका अपॉइंटमेंट यानी स्टाफिंग, फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन और एक है आपका रिप्रेजेंटेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना। तो ये पांच फंक्शंस आपके सपोर्टिव फंक्शंस में, जिसमें डिसीजन मेकिंग है, इनोवेशन है, अपॉइंटमेंट है, स्टाफिंग का पार्ट मतलब स्टाफ को अपॉइंट करना, कम्युनिकेशन है और रिप्रेजेंटेशन। तो ये प्राइम फंक्शंस हैं। मैन और प्राइम फंक्शंस में आपके पांच फंक्शन रखे गए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। और ऑक्सिलरी और सपोर्टिव फंक्शंस में भी पांच फंक्शन रखे गए हैं, डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, अपॉइंटमेंट, कम्युनिकेशन और रिप्रेजेंटेशन। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो फंक्शंस हैं इनको हम दो वीडियो में, एक वीडियो में हम प्राइम फंक्शंस स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्टिव फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन आस्क मी, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच। Have a nice day. Stay home, stay safe. Thanks.